हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जस्ट आ रही हूँ, ये पसीने भी नहीं सूखे हैं मेरे। तो अभी बज रहे हैं 7:10 हो रहे थे अभी जस्ट। मैंने रूम में जब मैं घुसी हूँ तो मैंने चेक किया है और इतना पसीना नहीं है। मैंने रात में थोड़ा सा ऑयलिंग कर लिया था और थोड़ा गीला भी हो गया है। आज क्या है ना, आज है वेंसडे और वेंसडे को ना थोड़ा क्वालिटी एक्सरसाइज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पुश के, मतलब मुझसे तो आज हो ही नहीं होता। पता नहीं क्यों आज सुबह, रात में क्या हुआ ना कि मैं जब सोने गई, कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं अलार्म लगाना भूल गई थी। बट सुबह एग्जैक्ट 5 बजे, एग्जैक्ट मतलब मुझे लगता है एकदम बिल्कुल एक मिनट भी इधर उधर नहीं, एग्जैक्ट 5 बजे मेरी नींद खुल गई। तो मैंने कहा अब ये भी नहीं सो सकते थे, क्योंकि अगर मैं 5 मिनट भी एक्स्ट्रा सोती ना तो मिस हो जाता। तो मतलब ज़बरदस्ती पुश करके, नहीं जाना है भाई, करना है, फिर गई हूँ। बट आज ना एनर्जी नहीं आ रही थी, क्योंकि आज बाहर बहुत ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुझे लग रहा है आज बारिश होनी चाहिए दिल्ली में, बट देखते हैं। तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, बट फिर भी कंप्लीट किया। एनीवेज एक्चुअली मैं नहाने, वो लोग दोनों सोए हुए हैं। देखिए आज है बहुत सारा काम, मैं चाहती हूँ कि कुछ काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ। एक मिठी का वैक्सीनेशन है जो कि टल रहा है, किसी न किसी रीज़न से टलता ही जा रहा है, पिछले एक महीने से टल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ, एक तो रागिनी चली गई ना, तो अभी न्यू है ये, इसको इसके ऊपर मतलब मुझे इसको चीज़ें बतानी पड़ रही है, कैसे इनको चीज़ें बतानी पड़ रही है कैसे कैसे काम करना है। अभी तो आज थर्ड डे आएंगे काम करने के लिए, तो इसीलिए मैं 2 दिन नहीं मैंने सोचा जाने का, बट मैं आज सोच रही हूँ चली जाऊँ, देखते हैं क्या होता है। और एक दो और काम है, अगर वो हो जाए होपफुल। तो अभी आ गई हूँ मैं नहा कर, ये मैडम को उठा रही हूँ, बट इसको उठाना बहुत बड़ा टास्क है, आधे घंटे लग जाते हैं इसको उठाने में। मीठी। हे लड़की, उठ जा। उठते उठते गेम, अपने पिल्लों के पास ही तुम खिलौने लेकर सोती हो, और सो खेलते खेलते सोना है और उठते उठते खेलना है ना। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड बेबी जॉन, देखना ऐसे क्यों देख रही हो, ऐसे क्यों देख रही हो बेटी। क्या है, पिजन था क्या, पिजन क्या कर रहे हो यार। हाँ वैसे मत, उसको पूरा खोल दो, खींचो। अरे फ्राई करना है यार, चुटकी डालने से नहीं होगा, कच्चा रह जाएगा, ढंग से पकेगा नहीं। क्या पानी में ही डाल दिया क्या, जाओगे साल भर में एक बार किचन में तो क्या पता होगा, पानी रहा होगा तो वो हट जाओ वहां से, अब हट जाओ थोड़ी देर, ये आवाज खत्म हो जाएगा तब जाना वहां पर। तो शाम के 7 बज रहे हैं, तब भयानक नींद आई हुई थी ना, सो गई हूँ। दही बना रही हूँ मैं चाय, अभी थोड़ा सा मतलब उठ गई हूँ कब का 6 बजे, बट अभी 7 बज रहे हैं। अभी सोचा था चाय नहीं पीऊँगी, बट सोचा चाय बना ही लेती हूँ, क्योंकि लग रहा है कि अंदर से नींद आ ही रही है, पूरा लेजीनेस हुआ हुआ है। और उधर मीठी एंड जैसिन है, ये लोग बैठ के चिकन नगेट्स खा रहे हैं। तो मेरा आज का बहुत सारा प्लान था, जैसे मैंने सुबह ही बताया कि बहुत कुछ सोचा हुआ है आज करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। जो सोचा हुआ था वो था चीज़ मिट्टी का वैक्सीनेशन, जो कि मुझे लग रहा है कि मुझे 1.5 महीने 2 महीने से वो चीज़ें टल रही हैं, कुछ ना कुछ रीज़न से टल रहा है। मैंने सोचा कि नहीं आज तो एनी हाउ जाना है। चाय बना रही थी, चाय में ही मलाई गिर गई, मलाई वाली चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, तो इसमें गिर गई है मलाई, अब जो भी है यही पीना। तो
अगेन जब मैंने आज अपॉइंटमेंट लिया था, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला आज का। मैंने थोड़ा लेट से फ़ोन किया हुआ था, मैंने सोचा सेकंड हाफ में मिल जाएगा तो जाकर के उसका वैक्सीनेशन ले लूँगी, बट आज भी नहीं हो पाया। अब देखें कल क्या होता है। इस वीक में मैं करवा लूँगी, एनी हाउ इस वीक में करवा लूँगी। प्लस एक तो मैं लेज़ी हो रही हूँ, ऊपर से जब मैं पूरा मतलब नहीं आज करना ही नहीं करके निकलना चाह रही हूँ तो उस दिन क्रिकेट गड़बड़ हो जा रहा है। कभी कभी कोई कोई काम पे ना अटक जाता है। चाय बना रही थी मैं, इसमें मैंने मिट्टी का दूध जस्ट निकाला था। ये रहने से वो दूध पी नहीं पाती है, तो मैंने आप लोगों से दिखा रही थी ये गुड़ मैं लेकर आई इस बार। बहुत अच्छा गुड़ है ये, मतलब इसमें मेरी चाय ना मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। तो ये जो है इस पर मेंशन है कोल्हापुरी गुड़, तो इसलिए मैंने छोटा डब्बा लिया था। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका टेस्ट। एक बंगाल में मिलता है कौन सा खजूर गुड़, यानी डेट्स जो होते हैं उसके बने हुए गुड़, तो वो जल्दी कहीं मिलता नहीं है। वो लिक्विड फॉर्म में भी आता है तो वो बहुत अच्छा होता है जल्दी, लेकिन इधर दिल्ली वाली साइड किसी और जगह नहीं मिलता है। तो कुछ कुछ ये क्लोज टेस्ट वैसा ही है, मतलब कुछ कुछ वैसा ही टेस्ट आ रहा है इसका, वो तो नहीं है इतना मुझे पता है। इसके आईज उड़ा दिए और मेरे पास है ये आई लाइनर। रुक जाओ आई, रुक रुक, वेट 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 मिठी आईज, हाँ वेट, खराब हो जाएगा। आई से थैंक यू मामा। अरे इसका कैप कहाँ गया मिठी, मेरा आईलाइनर सूख जाएगा। कैप कैप ये मिठी का फेवरेट टेडी है और इसके दोनों आई को खींच करके इसने निकाल दिया था। 3 दिन से परेशान थी, घूम घूम के सभी को बोल रही थी, घूम घूम के सबको बता रही थी जो घर में आ रहे हैं या घर के लोग हैं सबको बता रही है। आई आई कहाँ गया, आई आई कहाँ गया। मामा ने आई बना दिया मिठी का, लेकिन आई थोड़ा टेढ़ा हो गया, मिठी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट ऐसे भी जो हालत तुमने किया है टेडी का उस हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा आई चलेगा। बोलो थैंक यू मामा। तो भाई आ गई हूँ मैं अपना खाना खाने, खा ही रही हूँ एक्चुअली, खाते खाते मैंने स्टार्ट किया। तो ये है कुछ वेजीज, इसमें बंद गोभी है यानी कि कैबेज है और कैप्सिकम है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोया सॉस चिली सॉस वगैरह मैंने डाल दिया है। ये है स्वीट पोटैटो और ये है चिकन। तो ये है मेरा डिनर, नो काव। पूरे घर की हालत अभी एक रूम और हॉल थोड़ा बहुत ठीक है, हॉल तो फिर भी मैंने छोड़ दिया, रूम पूरा क्लीन करके आई हूँ दूसरा। और ये इस रूम की तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब की है, लेकिन इसने देखा ना कि मैं ठीक करते चल रही हूँ इसके टॉयज़, तो मुझसे पहले जल्दी जल्दी पहुँच के अंधेरे में स्टार्ट हो गई कि उसको पता है कि अब रखना है। इसमें डाल दो मिठी, इसमें डाल दो, इस वाले बॉक्स में डाल दो। एक तो ये पता नहीं सॉक्स निकाल कर पहन रहे थे, तो मैंने भी अच्छे से पहना दिया, पहनो, सॉक्स पहनने का शौक लगा है। खेलना नहीं है ना मिठी, अब सोना है, रख दो टॉयज़ रख दो। क्या बुम 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 कर रही हो। एक्चुअली सोने से पहले ना मैं एक मोबाइल में गेम है 10 मिनट खेलती हूँ, तो उसमें एक क्लास ऑफ क्लैन एक गेम है, तो उसको देखेगी तो उसमें एक्चुअली अटैक वगैरह होता है ना, तो उसको देख के बोलती है बुम बुम। और अगर मैं नहीं खेल रही हूँ तो ये मुझे याद दिलाती है, अभी जैसे ही बेड पे आए तो याद दिला रही है कि मामा बुम बुम कहाँ है, बुम बुम चलो सोई सोई टाइम हो गया मिठी। मैंने तो लाइट ऑफ कर दूसरा ही बंद कर दिया। एक्चुअली रूम में 3 लाइट है, एक
दो और ये कोने में तीन। तो दो का कंट्रोल इसका और इसका कंट्रोल तो यहाँ है, मतलब यहाँ भी है प्लस वहाँ भी है, तो दोनों जगह से हो जाता है। बट ये जो लाइट है ना, इसका कंट्रोल बस वहाँ है। अब मुझे आलस आ रही है, आकर लेट गई हूँ। एक्चुअली आज सुबह बहुत हैवी एक्सरसाइज हुआ था ना, मेरे सारे इनर थाइज़ जो हैं वो बहुत भयानक दर्द हो रहे हैं, तो मन ही नहीं कर रहा कि उठ करके जाऊँ, बट अब तो जाना पड़ेगा। ये दोनों तो ऑफ हो जाएंगे, बस उसके लिए जाना पड़ेगा ना। एक सेकेंड, लाइट ऑफ कर दो ना, ये वाला लाइट ऑफ कर देना। हाँ बस, और एक और चीज, ये प्लीज लैपटॉप मेरा रख दो ना वहाँ पे। रिमोट कहाँ है? कौन सा रिमोट? उधर ही होगा ना। तो चलिए, ये था मेरा ओवरऑल आज का दिन। था बहुत कुछ सोचा हुआ बट कुछ नहीं हुआ, तो घर पे ही सारा दिन घर पे ही थे। तो चलिए, इस वीडियो को करती हूँ यहाँ पर एंड, आप लोगों से मिलती हूँ कल। और यहाँ सोने जा रहे हैं। कभी कभी जय, जैसे कि कल रात में क्या हुआ था कि जय पूरी रात जगे हुए थे। मैं जब सुबह 4:45 बजे उठी हूँ, 4:45 नहीं, आज 5 बजे उठी थी एग्जैक्ट, क्योंकि पता नहीं अचानक मैं अलार्म लगाना ही भूल गई थी। शायद मैंने ये सब बातें ब्लॉग में बताई हुई है। तो जय जगे हुए थे, तो मैंने कहा अरे अभी जग रहे हो, तो बोल रहे हैं कि अरे रात में नींद ही नहीं पूरी हुई है मेरी, मैंने सोए ही नहीं थे पूरी रात। तो बोल रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ दूसरे रूम में सोने आराम से। और मीठी भी कभी कभी बदमाशी करती है, रात में जल्दी नहीं सोती है, तो वो अपना दूसरे रूम में जाकर सो जाते हैं। तो चले वो उस रूम में सोने, मुझे भी भयानक नींद आ रही है, जबकि मैंने आज दोपहर में बहुत सोई हूँ, 3-3.5 घंटे। मे भी मैं लेटूंगी तो मुझे नींद ना आए, बट फिलहाल तो आ रही है। तो चलिए, इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ कल। बाय।